गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज़ फोर्थ सेशन ठीक है चौथी क्लास हो गई है विजय सीरीज़ की जो कि हम लोग स्टार्ट किए हैं डेली फाइव मिनट्स टेन क्वेश्चन सीरीज़ है तो इसमें टारगेट है कि दो क्वेश्चन करने का दो हज़ार क्वेश्चन करने का और ये जो है ये चौथा क्लास है तो आप समझ सकते हो कि तीन दो एक हो चुका है तो उसमें भी दस दस बारह बारह क्वेश्चन करवाए गए हैं और सब बहुत इंपॉर्टेंट है तो सब आप करते जाना ठीक है तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं इज़ द क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन है कि अ कॉमन क्रॉप ऑफ नेचुरल ऑटो ऑटोटेट्राप्लॉयड ठीक है याद रखना टेट्राप्लॉय टेट्रा मतलब क्या होता है पता चलता है फोर ठीक है तो ऑटो ऑटोटेट्राप्लॉयड ग्रोन इन इंडिया ठीक है ऑटो टेट्राप्लॉय नेचुरल ऑटो ऑटोटेट्राप्लॉयड है कॉमन क्रॉप ऑफ नेचुरल ऑटो ऑटोटेट्राप्लॉयड ग्रोन इन इंडिया इज पोटैटो ठीक है ऑटो ऑटोट्राइप्लॉइडी ट्राई मतलब तीन होता है ट्राई ठीक है ऑटो ट्राइप्लॉइडिक कौन सा है बनाना है ठीक है ऑटो ट्राइप्लॉइड क्रॉप क्या है बनाना है और ऑटो टेट्राप्लॉइड जो कि नेचुरली ग्रोन होता है वो है पोटैटो ठीक है रिपीटेड क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड प्रोजेनी बैक टू वन ऑफ इट्स पेरेंट ठीक है तो क्या होता है ये ये जो ये जो रिपीटेड क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड ठीक है हाइब्रिड प्रोजेनी बैक टू वन ऑफ इट्स पेरेंट अगर जैसे ये और ये क्रॉस किया ठीक है और उसके बाद अगर ये बना और ये फिर से बैक टू वन ऑफ इट्स पेरेंट्स के साथ फिर से क्रॉस किया जैसे कि अगर ऐसे करके क्रॉस कर गया तो इसको हम लोग बोलेंगे बैक क्रॉस ठीक है या क्या कर रहा है रिपीटेड क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड प्रोजेनी बैक टू वन ऑफ इट्स पेरेंट्स ठीक है समझ रहे हो ठीक है बैक बैक कर रहा है बैक पीछे जा रहा है ठीक है तो उससे आप समझ सकते हो कि ये बैक क्रॉस है इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मेल स्टर्लिटी इन पर्ल मिलेट ठीक है पर्ल मिलेट जो क्रॉप है उसमें मेल स्टर्लिटी का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है इज़ ए टिफ्ट ट्वेंटी थ्री ए ठीक है क्या है टिफ्ट ट्वेंटी थ्री ए वहीं पर अगर सोर्गम की बात करें तो काफिर सिक्सटी ठीक है क्या है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेल स्टर्लिटी इन पर्ल मिलेट क्या है टिफ्ट ट्वेंटी थ्री ए और अगर हम लोग सोरगम की बात करें तो उसका है काफिर सिक्सटी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स फ्रॉम ग्रैंड फादर टू ग्रैंडसन ठीक है grandson, अगर एक सेक्स लिंक्ड जीन्स है जो कि ग्रैंड फादर से ग्रैंडसन में आ रहा है थ्रू डॉटर ठीक है ग्रैंड फादर से ग्रैंडसन में आ रहा है ग्रैंड फादर के डॉटर के थ्रू ठीक है तो ये क्या होगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस अब देखते हैं क्लेस्टोगेमी और चैसमोगेमी क्या है ठीक है क्लेस्टोगेमी क्या है फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल अगर पॉलिनेशन के लिए फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है तो इससे क्या होगा वो ऑब्वियस है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा ठीक है फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है दूसरों के लिए ये जनरली वीट और सीरियल क्रॉप्स में होता है किसमें होता है वीट एंड सीरियल क्रॉप्स में तो क्लेस्टोगेमी क्या है क्लेस्टोगेमी और चाज्मोगेमी दो होता है ठीक है तो क्लेस्टोगेमी में क्या होता है कि फ्लावर डो नॉट ओपन एट ऑल ठीक है फ्लावर ओपन ही नहीं होता है तो क्या होगा क्लेस्टोगेमी में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा और चैज्मोगेमी में क्या होता है फ्लावर ओपन बट ओनली आफ्टर पॉलीनेशन पॉलीनेशन के बाद ओपन होता है ठीक है तो ये जनरली दाल में होता है तो मूंग मू में होता है और जो क्लेस्टोगेमी है ना वो सीरियल्स क्रॉप में होता है ठीक है नेक्स्ट है व्हेन एफ वन फाउंड सुपीरियर टू ईदर पेरेंट्स अगर दो पेरेंट्स में क्रॉस हुआ ठीक है जैसे रख लो p इंटू क्यू और ये आया z तो ये जो है ये दोनों पेरेंट्स अगर सुपीरियर मिल रहा है व्हेन एफ वन फाउंड सुपीरियर टू ईदर पेरेंट्स तो इसको बोलते हैं हेट्रोबेल्टोसिस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बहुत ध्यान दीजिएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैं करा रहा हूँ ठीक है इसका क्या है व्हेन एफ वन फाउंड सुपीरियर टू ईदर पेरेंट्स इट्स कॉल्ड हेट्रोबेल्टोसिस चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे कि नेचुरल नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया 2020 2002 में कब आया 2022 में वहीं पे आप देखिएगा कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कब आया तो 2003 में ये ये कन्फ्यूज़न होता है ठीक है ऑप्शन में दोनों रहेगा है ना, ना पर जब एक्ट पूछेगा ना तो आपको ध्यान देना है एक्ट 2002 में आया और बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो 2003 में बना ठीक है साइज ऑफ़ रेन ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स के साइज़ किसके किसके बीच होते हैं तो वो होते हैं जीरो पॉइंट फाइव से सिक्स एम एम के बीच ठीक है साइज ऑफ़ रेन ड्रॉप्स ठीक है चलिए ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ अप्रॉक्सीमेटली फाइव मिनट्स लगा तो जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा दस मिनट पाँच मिनट आपको रोज़ देने में कुछ नहीं जा रहा है पर ये दस क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत अच्छा बहुत अच्छा रिवीजन होगा और हम इंश्योर करते हैं कि सिक्स सेवन क्वेश्चन वो नहीं जो क्वेश्चन हमेशा आते हैं वो नहीं सिक्स सेवन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से मिल सकता है थैंक यू